जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतगुरु भजन में बंदे जो मन को लगाएगा, स्वामी दया करेंगे तो भव पार जाएगा। सतगुरु भजन में बंदे जो मन को लगाएगा, स्वामी दया करेंगे तो भव पार जाएगा। घट घट में वो बसे हुए क्यों ढूंढता फिरे, घट घट में वो बसे हुए क्यों ढूंढता फिरे। अंतर का ध्यान कर जरा मन में ही पाएगा, अंतर का ध्यान कर जरा मन में ही पाएगा। सत्संग का सागर बड़ा गहरा है बावरे, सत्संग का सागर बड़ा गहरा छूटेगा मैल मन का जो इसमें नहाएगा, छूटेगा मैल मन का जो इसमें नहाएगा। चरणों में सतगुरु के ही मुक्ति का धाम है, चरणों में सतगुरु के ही मुक्ति का धाम है। जय गुरुदेव नाम रट सदा संकट मिटाएगा, जय गुरुदेव नाम रट सदा संकट मिटाएगा। दर्शन करे जो नर कभी उस दिव्य ज्योति का, दर्शन करे जो नर कभी उस दिव्य ज्योति का। हर शोह विस्में वो कभी गोते न खाएगा, हर शोह विस्में वो कभी गोते न खाएगा। करता नहीं भजन जतन सोया है बेखबर, करता नहीं भजन जतन सोया है बेखबर। तुझको दिया है क्यों ये तन तू क्या बताएगा, तुझको दिया है क्यों ये तन तू क्या बताएगा। हर सांस हर घड़ी करे मालिक का जो भजन, हर सांस हर घड़ी करे मालिक का जो भजन। जाएगा जब जहाँ से वो ना लौट आएगा, जाएगा जब जहाँ से वो ना लौट आएगा। सतगुरु भजन में बंदे जो मन को लगाएगा, स्वामी दया करेंगे तो भव पार जाएगा। सतगुरु भजन में बंदे जो मन को लगाएगा, स्वामी दया करेंगे तो भव पार जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पूरा राष्ट्र गांधी जयंती मना रहा है, गांधी जी को याद कर रहा है। उस दिन आज
मुझे कुछ सुनाने का और आपको सुनने का अवसर मिल रहा है। गांधी जी कौन थे? गांधी जी प्रेमी हमारे आपके जैसे ही वो भी इंसान थे, आदमी थे। उस समय पर जब उनका जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, तो शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा नहीं था, पढ़ाई लोग कम करते थे, लेकिन उन्होंने इतनी पढ़ाई किया कि विदेश से, लंदन से जो वकालत की डिग्री होती है वो हासिल किया। बहुत कम लोग वहाँ से वकालत पास कर पाते थे, लेकिन ऐसे समय पर जब उनको डिग्री मिली तो देश उस समय पर गुलामी में था। गुलामी किसको कहते हैं? जिसकी गुलामी लोग करते हैं, जो मालिक होता है, वो जो खिलाता है वो खाते हैं, वो जो पहनाता है पहनते हैं, वो जैसा रखता है रहते हैं, वो जो करवाता है वो करते हैं। तो भारत देश ये एक धर्म प्राण देश कहा जाता है। यहीं पर ऋषि मुनि योगी योगेश्वर संतों का प्रादुर्भाव हुआ है और यहीं से धर्म की बेल पूरे विश्व में फैली है। ऐसे देश में व्यापार करने के लिए अंग्रेज आए, लेकिन जब देखा उन्होंने कि इन पर हुकूमत करके और इनको अपना मुरीद बनाया जा सकता है, चेला बनाया जा सकता है, गुलाम बनाया जा सकता है, तब उन्होंने तरह तरह का उपाय सोचा और करने लग गए। देखो प्रेम, शाकाहार भोजन जो होता है वो बुद्धि को सही रखता है। जब लोग शाकाहारी होते थे, नशे का सेवन नहीं करते थे, लोगों की विचार भावनाएं अच्छी रहती थी, ईश्वर को याद करते थे, अपने अपने तौर तरीके से ही सही, लेकिन सभी लोग उस मालिक को याद करते थे। और जब उसको याद करते थे वो दया करता था। याद करने से दया मिलती है, जैसे हिंदी में याद और ऊपर से दया, उधर से पढ़ो तो दया, तो दया मिलती थी लोगों को, तो लोगों के अंदर एक आत्मशक्ति रहती थी, आत्मबल रहता था। तो इस चीज को तो अंग्रेज समझते नहीं थे। जहां कहीं भी वो अपना चलाने की कोशिश करें, वहीं पर जब आध्यात्मिक शक्ति दिखाई पड़े उनको, तो वो फेल हो जाते थे, कामयाब नहीं होते थे। कुछ लोग ऐसे भी रहे उस समय पर कि जिनके ऊपर उनका बिल्कुल असर नहीं पड़ा अंग्रेजों का, क्योंकि वो सिद्धांतवादी थे, अपने वसूल पर चलते थे, खान पान उनका जैसा होना चाहिए मनुष्य का वैसा ही रहता था, पूजा पाठ उसी तरह से करते थे, तो उन पर तो असर नहीं हुआ है। लेकिन जो बीच वाले थे और छोटे लोग थे, जो नहीं समझ पाए इस चीज को कि भाई मनुष्य शरीर का कर्तव्य क्या होता है, फर्ज क्या होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अच्छे बुरे का ज्ञान जिनको ठीक से नहीं हो पाया, उनको उन्होंने सोचा कि इनको ही क्यों गुलाम बनाया जाता है। इस पर उन्होंने सोच विचार किया और उनके खान पान को बिगाड़ा, ऐसा खाने पीने लग गए और इस तरह से दिखावा करने लग गए और लोगों को बुला बुला कर खिलाने पिलाने लग गए कि लोगों के जबान अंडा मछली मांस इसका प्रचलन इतना ज्यादा नहीं था। स्वराज के पहले, आजादी के पहले जब ये अंग्रेज आए
तो इन्होंने इसको बढ़ाया। और स्वराज जब आया, देश आजाद हुआ, तो वही आदतें बन गई थी उन लोगों की। जाने के बाद भी हुकूमत में जो लोग आए वो देश के लिए कुर्बानी देने वाले, त्याग करने वाले, लंगोटी लगाने वाले की बातों को भी भूल गए। डंके के चोट पर गांधी जी कहा करते थे कि स्वराज आने के बाद शराब पूरे देश में बंद हो जाएगा। ये कहावत है कि शेर शिकार करता है और खाते हैं गीदड़ लोग। लंगोटी उन्होंने लगाया, त्याग उन्होंने किया, थप्पड़ लाठी वो खाए। और अब जब देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, जो भारतीय संस्कृति को मिटा देना चाहते थे, भारत को हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बना लेना चाहते थे, जब वो चले गए और दूसरे लोग आए, तो वो आदतें उनकी जो बनी उसका आज भी जनता फल भोग रही है। कानून बनाने वाले, रखवाली खेत के करने वाले, जब वही लोग आप ये समझो नहीं समझ पाएंगे कि रखवाली कैसे की जाती है, कानून कैसे बनाया जाता है, देश की जनता को कैसे खुशहाल किया जा सकता है, तब सोचो आप कि जनता का क्या हाल होगा, देश का क्या हाल होगा। आपको समझने की जरूरत है कि जब गांधी जी महात्मा नहीं थे, वो एक बैरिस्टर थे, वकील थे, तब उन्होंने इस चीज को सोचा। प्रभु को उन्होंने याद किया, प्रभु की दया उन पर हुई और उनको अकल आई और बुद्धि आई कि मुहिम चलाना चाहिए। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ में शक्ति है। तब उन्होंने शुरू किया, क्या शुरू किया, वैचारिक आंदोलन शुरू किया। तीर तलवार उन्होंने नहीं उठाया, अहिंसा के पुजारी थे वो, हिंसावादी नहीं थे। तब उन्होंने वैचारिक क्रांति शुरू किया, विचारों में परिवर्तन लाना शुरू किया और देश को आजाद कराने के लिए आगे बढ़े, जिसके बदले में उनको तकलीफें झेलनी पड़ी। उतार दिया वो लिबास जो टाई कोट पहनते थे और लंगोटी लगा करके निकले। काम अच्छा उन्होंने किया, देश को आजाद कराया, स्वतंत्र किया। अब भले परतंत्र होते लोग चले जा रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से तो उन्होंने पूरी स्वतंत्रता लाने की कोशिश की। और उस वक्त पर अंग्रेज देश छोड़ करके चले गए थे, तभी उनको महात्मा लोग कहने लग गए, क्योंकि महात्मा का एक तरह से बाना पहन करके, महात्मा के विचारों को ग्रहण करके उन्होंने जो अनिशक्ति और अहिंसा का पथ अपनाया, इसलिए उनको लोग महात्मा गांधी कहने लग गए। देखो प्रेम, शक्ति और अहिंसा ये क्या है? यह मनुष्य का एक तरह से आभूषण है। समय आभूषण किसको कहते हैं? गहना को कहते हैं। जैसे ये बच्चियां गहना पहनती हैं, ऐसे पहले पुरुष लोग भी पहनते थे। क्या पहनते थे? कान में सोने का पहनते थे, गले में पहनते थे, हाथ में पहनते थे। ये बच्चियां भी आप ये समझो कि यहाँ पर गहना पहनती थी, चाहे चांदी का हो चाहे सोने का हो, हाथ में गले में। क्यों? इसलिए कि ये हमारे शरीर पर रहेगा तो ये किसी दिन हमारे काम आएगा। किस दिन काम आएगा? मुसीबत के समय जैसे काम आता है, ऐसे ही आप ये समझो कि ये एक आभूषण है। सत्यवादी का कुछ नहीं कोई कर सकता, सत्य की हमेशा विजय होती है। और जो जीवों पर दया करता है उसकी भी विजय होती है, क्योंकि उस पर दया उस दयालु की होती है, कृपा निधान की होती है, जिसको रहमान कहा गया उसकी होती है, जिसको दया सिंधु कहा गया
उसकी होती है जिसको रघुवीर कहा, जो रग रग में रम रहा है उसकी होती है। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। जो दया धर्म को अपनाता है उसकी रक्षा वो प्रभु करता है। तो ये जो उनके यानी समझो दोनों हाथों में ये शस्त्र था, क्या कहते हैं शस्त्र, अस्त्र शस्त्र कहते हो ना, ये एक हथियार था उनका, वही उनको विजय दिलाया। आज गांधी जी के यानी समझो जन्मदिन के अवसर पर ये दो चीज, चाहे जनता हो यानी चाहे प्रजा हो, चाहे राजा हो, चाहे जिस जाति मजहब के लोग हों भारत देश के, सबको इस चीज को याद करने की, याद रखने की आवश्यकता है। तो प्रेमियों, आज का यह समय और यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर 2024 को सांवेर का यह मंडी का स्थान जहाँ पर सत्संग हो रहा है और सत्संग के वचनों को सुना और कहा जा रहा है, यह समय बहुत ही, यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों के ऊपर दया हुई, आप सत्संग सुनने के लिए आए। सत्संग की महिमा है अति भारी। जो कोई जीव हुए अधिकारी, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, लेकिन जीव जो हो, जो सुनने के अधिकारी हों, सुनने के अधिकारी का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर योग्यता हो। जैसे अधिकारी होते हैं, किसी विभाग के अधिकारी होते हैं, तो उनके अंदर योग्यता होती है कि वो 10-5 लोगों को 25 लोगों को यानी एक साथ लेकर के चल करके और काम को पूरा कराते हैं। इसी तरह से अधिकारी यानी जिसके अंदर में यानी जानने समझने और करने कराने की शक्ति हो, वो अधिकारी होता है। तो जब सत्संग को समझने जानने की क्षमता जिसके अंदर हो, जो अधिकारी होता है, वही सत्संग को समझ सकता है। और नहीं तो एक कान से लोग सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, वचनों को याद नहीं रखते हैं। इसलिए सत्संग की जो मेहनत होती है सुनाने की, व्यवस्था करने की, वो उतनी ज़्यादा लोगों के लिए फायदेमंद नहीं हो पाती है। देखो प्रेमियों, आज जो बातें आपको बताई जाएं, उनको आप याद रखो। जो दूसरों की भलाई के लिए हों, उसके लिए दूसरों को आप समझाओ बताओ और उनकी भलाई हो, जिससे ऐसा काम करो और आपके फायदे की जो चीज हो बच्चे और बच्चियों, उसको आप ले लो। आप देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे दूसरे को फायदा मिलता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे अपने को फायदा मिलता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे सबको फायदा होता है और सबको जानना जरूरी होता है। तो आज जितने भी लोग आप बैठे हो, आप सबको ये जानना जरूरी है, ये जो मनुष्य शरीर है, ये एक तरह से किराए के मकान की तरह से है। ऐसे किराए के मकान में कोई रहता है, एक दिन उसको खाली करना पड़ता है। आप समझो एक दिन इसको खाली करना पड़ेगा। ये जो मनुष्य शरीर उसने प्रभु ने दिया है, ये बड़े भाग्य से दिया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जब कई जन्मों के पूरे उदय हुए हैं, कोट जन्म जब भटका खाया तब यह न तन डोल लग पाया। करोड़ जन्मों के जो पुण्य हैं, जब वो उदय हुए हैं, भटका खाया, कोट जन्म जब भटका खाया, भटका किसको कहते हैं? जैसे यहाँ है आदमी और वहाँ चला गया, जैसे दूसरी जगह चला गया, जैसे ऐसे लोग खोजते रहते हैं, ऐसे भटकते रहते हैं, ऐसे ही एक जीव भटकता रहा। कहाँ भटकता रहा? कीड़ा की योनि में, मकोड़ा की योनि में, सांप गोजर बिच्छू की योनि में,
जमीन पर चलने वाले जानवरों की योनि में, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों की योनि में ये भटकता रहा, स्वर्ग वैकुंठ में भी ये भटकता रहा चला गया तो, लेकिन रास्ता नहीं मिला। किस चीज का रास्ता नहीं मिला? मुक्ति और मोक्ष का रास्ता नहीं मिला। अब जो पहली बार आप आए हो, आपको बताता हूँ। देखो, कहीं कहीं शमशान घाट पर लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम, तो मुर्दा कोई ले जाता है, वापस लाता है? नहीं लाता है। कहता है इनको मुक्ति दिला करके ही हम वापस आएंगे, चाहे 2 दिन लग जाए जलाने में। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है, और पुर्जा को इस शरीर के वो चलाती है, इसके मुक्ति के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। और ये चीज जब समझ में नहीं आती है, तो आदमी का जो है हाथ पैर आँख कान ये उसने प्रभु ने बनाया है माँ के पेट में, 9 महीने में जो तैयार किया है, इसका मतलब नहीं समझ आता है कि ये किस लिए दिया है। और जहाँ जैसी परिस्थिति होती है, जहाँ जैसा जो जन्म लेता है, हम वहाँ के लोगों को बता देते हैं, उसी तरह से वो खाता पीता रहता है, काम करने लग जाता है। तो करते हुए भी पूरे अच्छा काम करते हुए भी न जानकारी में बहुत से आदमी को पाप लग जाता है, और जब पाप लग जाता है तो पाप की सजा भोगनी पड़ती है। पाप से कोई बच नहीं पाया, कर्मों बुरे कर्मों से कोई बच नहीं पाया। धृतराष्ट्र ने कहा कृष्ण भगवान से कि मैं अंधा क्यों हो गया? उन्होंने कहा तुम्हारे कर्म खराब थे। बोले इस जन्म में तो मैंने कोई बुरा कर्म किया नहीं। कृष्ण ने कहा पीछे जन्म में? धृतराष्ट्र ने कहा 100 जन्मों का मुझे याद है, मुझसे कोई बुरा कर्म नहीं बना। बोले और पीछे देखो, 106 जन्म के पीछे जो बुरा कर्म बन गया था, उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा था। कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है, कर्मों की वजह से ही समझो राम भगवान को जंगल जाना पड़ा, कृष्ण को देखो द्वारिका भगना पड़ा, हजरत मोहम्मद को 10,000 ठोकरें खानी पड़ी, ईसा को देखो सूली पर लटका दिया, आप देखो तवरेज की खाल खींच ली, मीरा को जहर पिला दिया। ये क्या था? कर्म था। कर्मों की तो सजा मिली, अब वो कर्म कैसे कर्म थे? वो वही पूर्व जन्म के कर्म, जिनको आदमी समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता, सब कर्मों पर ही ये टिका हुआ है। सारी व्यवस्था कर्म पर टिकी हुई है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस की स्वतः फल चाखा, उससे कोई बच नहीं पाता है। तो बच नहीं पाता है, तब जब आखिरी वक्त आता है, तब इस जीवात्मा को खाली कराने के लिए यमराज के दूत आते हैं। देखो प्रेमी, यह मृत्यु लोक है, ध्यान दो। आप पहली बार आए हो, समझो इस बात को, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु माने क्या होता है? जहाँ हमेशा कोई जिंदा नहीं रहता है। मृत्यु होती ही होती है। जो इस धरती पर जन्म लिए हैं, जो इस दुनिया संसार में जन्म लिए हैं, चाहे आकाश में ही उड़ने वाले पक्षी हों, जल में रहने वाले जीव हों, धरती के नीचे रहने वाले कीड़े मकोड़े हों, चाहे इस धरती पर रहने वाले जीव हों, सबकी मृत्यु होती ही होती है। सब मरते हैं, शरीर को खाली करना पड़ता है, इसीलिए इस दुनिया संसार का नाम पड़ा मृत्युलोक। मृत्युलोक इसका नाम पड़ा। तो इस मृत्युलोक में जो आते हैं, सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन कहा गया जो जो गए बहुरी नहीं आए, राजा रंक फकीर, और कोई जात चढ़पाल की कोई बंधे जंजीर। जितने भी आए, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे सेठ साहूकार हो, चाहे राम जैसे भगवान हो, चाहे कृष्ण जैसे भगवान हो, चाहे कबीर गोस्वामी पलटू नानक मीरा जैसे संत हों, गुरु महाराज जैसे संत हों, इनको सबको शरीर छोड़ना पड़ा।
लेकिन कोई जात के पाल की कोई द्वादश के साथ सम्मान के साथ ले जाए जाते हैं, अपने आप जहाँ इच्छा होती है चले जाते हैं और कोई बंधे जंजीर बांध करके जाते हैं। जो अपने कर्म को नहीं समझ पाते हैं, नानक साहब ने कहा भांग बकोली, ये जो भांग होती है और चीजें जो होती नशे वाली, उसका नशा उतर जाता है लेकिन नाम का नशा जिसको मिल जाता है वो हमेशा बना रहता है। तो वो लोग यही सोच लेते हैं कि हमको तो बस इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है कि खाओ पियो और मौज करो। तो भैया नियम को कोई तोड़ पाया? जैसे सरकारी नियम होता है, यहाँ का आप देखो का नियम होता है, समाज बिरादरी का नियम होता है, ऐसे उस भगवान का नियम होता है, तो उस नियम को कोई तोड़ पाया? नहीं तोड़ पाया। और रावण देखो कहता था कि मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा, सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग चले जाएंगे, जमीन से लेकर के और आसमान तक सीढ़ी लगा दूंगा, उस पर चढ़कर लोग चले जाएंगे, सोने में सुगंध ला दूंगा। जानकार भी था, चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण का जानकार था, 10 खोपड़ी थी, 10 खोपड़ी की अकल उसमें थी, 10 आनंद जिसको अभी लोग याद करेंगे और जलाएंगे पुतला, नवरात्र जब खत्म होगी 10वां दिन आएगा जब नवरात्र का, तो वो ये चाहता था लेकिन उसको चलो कुछ नहीं चला। करता करे न कर सके, प्रभु करे सो हो, वो मालिक जो करता है, गुरु जो वक्त के होते हैं, वो जो चाहते हैं करते हैं वही होता है। तो समझो आप प्रेमियों कि जो इसमें फंस जाते हैं, इंद्रियों के भोग में फंस जाते हैं, इंद्रियों के जाल में जो फंस जाते हैं, वो अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, मानवता को भूल जाते हैं, वो समझो आपकी परमार्थी लाभ नहीं ले सकते हैं। चाहे ये अनि फकीरों में बुल्ला शाह रहे हों, चाहे ये आपके अनि नानक साहब और ये सब कोई भी रहे हों, आप ये समझो कि सब लोग यही कहे हैं कि इंद्रियों को थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, वश में करना पड़ेगा, क्योंकि मन जब इंद्रियों के घात पर बैठ करके रस लेने लग जाता है तो मनुष्य की आदत बन जाती है और वही करने लगता है जो काम शरीर से नहीं करने का, वो भी काम शरीर से करने लगता है और उसकी फिर सजा मिल जाती है। इस भारत देश जैसे धार्मिक देश में बच्चे और बच्चियों का चरित्र का गिरना और इनकी नशे की आदत से क्या संकेत मिलता है कि देश का भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। देखो इस वक्त पर किसी का बच्चा कब बिगड़ जाए, कब नशेबाज हो जाए, कब बच्चा बच्ची चरित्रहीन हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जाल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। भारतीय संस्कृति को ही लोग खत्म कर देने में लगे हुए हैं और जो लोग इसको बचाने में लगे हैं उन्हीं के बच्चे वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप ये सोचो कि क्या होगा इनका बच्चों का। इसलिए आप समझो कि अब अपने स्तर से शुरू करो, लड़का हो चाहे लड़की हो उसका ध्यान रखो, उसको समझाओ बताओ, न समझ में आता हो सत्संगों में लाओ, साप्ताहिक सत्संगों में ले जाओ, प्रचार प्रसार में ले जाओ, जैसा साथ पड़ेगा उसी हिसाब से उसमें परिवर्तन आएगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है, अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित
जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।